नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव है। आपने ये भी सुना होगा कि इसके पीछे खालिस्तान वाला एक एंगल है। इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको बेहद सरल भाषा में, सरल शब्दों में पूरा मुद्दा समझाने जा रहा हूं। भारत विरोधी कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठे हैं, जिनकी मांग है कि भारत के पंजाब को एक अलग देश यानी खालिस्तान बना दिया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में शामिल पंजाब की बात नहीं करते, पाकिस्तान वाले पंजाब का खालिस्तान नहीं चाहते। ये पूरा खेल सिर्फ इसी एंगल से एक्सपोज हो जाता है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी तक नहीं है। इन खालिस्तानियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पालने पोसने में भरपूर मदद करती है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। जिसके तार कनाडा से जुड़े हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग कनाडा में इतने मजबूत हो चुके हैं, इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी तक बना ली है। और खालिस्तानियों का समर्थन करने वाली ये पार्टी अल्पतवाली ट्रूडो यानी कनाडा की जो प्रधानमंत्री की मौजूदा सरकार है उसका समर्थन कर रही है। यानी इनका समर्थन हटा तो वो प्रधानमंत्री के पद से गिर जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए आज ट्रूडो पाकिस्तान की तरह आतंकियों की मौत पर मातम मना रहे हैं। लेकिन शायद ट्रूडो ने नए भारत की ताकत को समझने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर कहूं तो बहुत बड़ी चूक कर दी। मोदी सरकार ने ट्रूडो पर कूटनीति का ऐसा कोड़ा मारा है कि G20 के लिए भारत पहुंचे ट्रूडो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि बेगानी शादी में कोई अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गया हो। और G20 वाली बैठक में भी पीएम मोदी ने ट्रूडो को दो टूक समझा दिया था कि आतंक से दोस्ती कनाडा के हित में नहीं है। लेकिन कनाडा है कि माना ही नहीं, और अंजाम सामने है। 3 दिन में 3 बड़े एक्शन लेकर मोदी सरकार ने अपना इरादा, अपने मंसूबे एकदम साफ कर दिए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। खालिस्तान के खेल में फंस गया है कनाडा। आज का आर पार इसी पर, और अगर आज आप देश प्रेमी हैं तो इस प्रोग्राम को खूब शेयर करेंगे, आवाज दूर तक जानी चाहिए। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी की मौत पर मातम मना रहे हैं और उनकी मौत का जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे हैं। यानी कनाडा का गेम प्लान बिल्कुल साफ है, और सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा पाकिस्तान की राह पकड़ चुका है। लेकिन इसका असर देखिए, कूटनीति का कोड़ा चलाते हुए भारत ने 3 दिन में 3 बड़े एक्शन लेकर ट्रूडो के होश ठिकाने लगा दिए। सोमवार को ट्रूडो ने बयान दिया, इसके बाद भारत ने 19 सितंबर को कनाडा के राजनयिक को निकाला, 20 सितंबर को कनाडा जाने वालों के लिए एडवाइजरी और 21 सितंबर को कनाडा से भारत आने वालों का वीजा निलंबित। वेरी स्पेसिफिक एविडेंस अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन कैनेडियन सॉइल हैज बीन शेयर्ड विद द कैनेडियन अथॉरिटीज ऑन अ रेगुलर बेसिस बट नॉट बीन एक्टेड अपॉन। ये जो निजर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर है यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया। इसी बीच खबर आई कि पंजाब के गैंगस्टर सुखा दुनिके की बुधवार रात को कनाडा में हत्या हो गई। वैसे हरदीप सिंह निज्जर से लेकर सुखा तक सभी फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भागे थे। यानी कायदे से कनाडा की सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वहां तो इन आतंकियों की मेहमान नवाजी चल रही थी। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी सत्ता में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनकी पार्टी को एक ऐसी पार्टी का समर्थन हासिल है जिसका अध्यक्ष खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका अध्यक्ष है जगमीत सिंह, जो खालिस्तान समर्थक है। NDP के पास 24 सांसद हैं
और इन्हीं की बैसाखी के सहारे जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत वाली सरकार चल रही है। और हाल ही में एनडीपी ने 2025 के चुनाव तक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसी महीने की 9 और 10 तारीख को भारत में थे और खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री को सीधे शब्दों में समझा दिया था कि उनके देश की खालिस्तानियों को शरण देने की नीति और कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा भारत के दूतावासों पर हमले, राजनयिकों के खिलाफ हिंसा और भारतीय समुदाय और हिंदुओं के मंदिरों पर हमले दोनों देशों के रिश्तों के हित में नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इस दो टूक चेतावनी का असर दिखना शुरू हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। खालिस्तान के खेल में फंस गया कनाडा। फ्रंट पे बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन पहले विश्लेषण का वक्त है कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की टेरर नीति का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपके समक्ष तथ्य रखूंगा। फैक्ट नंबर वन, फर्जी दस्तावेज से कनाडा पहुंचे आतंकियों के पर एक्शन की बजाय उनकी मौत पर आंसू बहाना। दूसरा तथ्य, दूसरा फैक्ट, फैक्ट नंबर टू, आईएसआई एजेंट और खूंखार आतंकी निज्जर के लिए भारत के रिश्तों पर दांव पर लगा दिए, इसलिए हंसी का पात्र बन गया है यह व्यक्ति, मजाक का पात्र बन गया है। और सबसे बड़ा मजाक तो यह है, सबसे बड़ा मजाक तो यह है तो कि जो खालिस्तानी है इन्हें पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान वाला पंजाब चाहिए, यह इनकी हैसियत है। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा बड़ा तथ्य, खालिस्तान का खुला समर्थन करने वाली पार्टी के सपोर्ट में सरकार चला रहे हैं ये ट्रूडो, और इसी वजह से अपने गेम को बनाने के लिए इन्होंने भारत जैसे मुल्क से अपने रिश्ते खराब करने का प्रयास किया। लेकिन ये तो नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, इसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथा बड़ा तथ्य, फैक्ट नंबर फोर, भारत ने कनाडा में बैठे आतंकियों की लिस्ट सौंपी तो उस पर ट्रूडो ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था। अब मैं बताता हूं भारत ने क्या क्या एक्शन किए, यह जानना जरूरी है। एक्शन नंबर एक, कनाडा के एक राजनयिक को निकाल दिया, क्योंकि कनाडा ने भी ऐसा करा तो भारत ने भी डबल स्पीड से ऐसा करा। एक्शन नंबर दो, कनाडा जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी करी। एक्शन नंबर दो यह था। अब एक्शन नंबर तीन, कनाडा से भारत आने वालों का वीजा सस्पेंड कर दिया। यह सबसे बड़ा एक्शन है जो एक्शन नंबर तीन है, जो कनाडा से भारत आने वाले लोग हैं उनका वीजा सस्पेंड हो गया। खेल यही बिगड़ गया और इसके बाद कनाडा का शासन हिल गया कि नए भारत में ये क्या हो गया। और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि ट्रूडो दबाव में है इस समय। लेकिन मैं अब बड़े सवाल की तरफ आता हूं, आइए देख लेते हैं स्क्रीन पे बड़ा सवाल क्या है। क्या जस्टिन ट्रूडो ने नए भारत की ताकत को समझने में एक बड़ी चूक कर दी और इसका इंपैक्ट हुआ है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं। मेरे साथ मजेंद्र सिंह सिरसा है भारतीय जनता पार्टी से, एमएस बिट्टा है अध्यक्ष AIATF के, रविंद्र सचदेवा है विदेश मामलों के जानकार है, उनका स्वागत है। मेरे साथ राजेंद्र दीपा है प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल के, जॉर्ज कुरियन है कांग्रेस के, परविंदर सेठी है उनका भी अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, आइए ब्रेकिंग स्टोरी पहले देख लेते हैं इस पूरे मामले के ऊपर, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। इस समय की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री, यानी गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में मुलाकात हो रही है। अमित शाह से मिलने पहुंचे जयशंकर, कनाडा के मुद्दे पर यह मुलाकात हुई है और अब खत्म हो गई है मुलाकात, यह भी जानकारी है। जयशंकर ने केंद्रीय गृह मंत्री को पूरी जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं सरकार की बहुत पैनी नजर है इस पूरे मामले के ऊपर। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में इसमें काम कर रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि भारत बड़े फैसलों से नहीं पीछे हटेगा कनाडा के मामले में। बड़े फैसलों के मतलब बहुत बड़ा फैसला भारत ले सकता है कनाडा के मामले के अंदर, क्योंकि आतंक कोई भी देश अगर पोषित करेगा तो भारत का जवाब एक ही है। भारत की मैसेजिंग यह है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो अलोंग, सीधी बात यह है। और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है, मैं बिट्टा साहब का रुख करता हूं। बिट्टा साहब, ये जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, ये सिर्फ भारत वाला पंजाब चाहते हैं, पाकिस्तान वाले पंजाब में इनको आफत आ जाती है, कौन है ये लोग? एमएस बिट्टा, देखो मैं आपको यह स्पष्ट तौर पे कह दूं, बार बार ये बात कहता हूं, शरीर से
14 बार हमलों से, बम्बों और गोलियों से, जख्मी शरीर पे। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह अपने टूटे शरीर से निकल जाएगा। दूसरा, जब काबल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, गोलियों से हमारी भाई बहन बच्चों को, गुरु ग्रंथ साहब को अपमानित किया, गोलियां चलाई, उस वक्त ये खालिस्तानी कहां थे? इनको पूछना चाहता हूं, जब पाकिस्तान में शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गुरु नानक देव जी महाराज का वो ऐतिहासिक स्थान ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर दिया, जगह जगह पे बेगुनाहों का कत्ल, कहां थे ये खालिस्तानी? ये खालिस्तानी नहीं है, ये कौम के गद्दार है, ये भारत मां के दुश्मन है, ये पाकिस्तान, भूखे नंगे पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले हैं। इनको बता देना चाहते हैं, आपने बिल्कुल बार बार कहा ये आज का भारत है, ये 7 साल पहले का भारत नहीं है। और ये भी बता दूं, इनको मारने वाली हमारी हिंदुस्तान की एजेंसी नहीं है, इनके अपने लोग हैं, इनकी अपनी ग्रुपिज्म है, ये पाकिस्तान के इशारों पे हुआ है, हमारा कोई रोल नहीं। पर ट्रूडो को ये पता नहीं है जी कि ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते, मैं बीजेपी का नहीं हूं, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें जो छेड़े हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे इन्होंने मजाक बना लिया, 2 करोड़ 2% सिख कौम, जिसको हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया, भारत मां ने क्या नहीं दिया? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जाल सिंह, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ कौन दिया, जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान के एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह जी, हिंदुस्तान के एयर मार्शल धनोआ जी, हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह 2% को, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 खैरा साहब और जस्टिस कुलदीप सिंह, ये हिंदुस्तान को दिए। क्या किसी ईसाई ने, क्या किसी हिंदू ने, क्या किसी मुसलमान ने क्या इतराज किया 2% को दे दिया? मेरा एक सवाल है, देखो हम सरदार हैं पर पहले मैं भारतीय हूं, मैं सरदार बाद में हूं। मैं ऐलान करता हूं, इस भारत की धरती के अंदर गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने अपने शीश को निछावर किया था, हिंदू के लिए भी, कश्मीरी पंडित के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, ईसाई के लिए। इस भारत के अंदर गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज पटना साहब में उनका जन्म स्थान था। आखिरी स्थान पता कहां था? कहां था? महाराष्ट्र में नदेड़ साहब, जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और लखपत गुजरात की धरती पर कल ही आया गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चरण, उनके साहबजादों की, उनकी पवित्र चरण अभी भी विराजमान है। इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की, खालिस्तान बनाना बनाने कैनेडा, झंडे लहराए वहां पे, जा खालिस्तान बनाए। मैं चलता हूं इनके साथ, पहली गोली बम मैं खाऊंगा। आओ चले पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करें, चढ़ता लाहौर पाकिस्तान, जो हमारा पंजाब काबल कंधार तक राज था, आओ मैं चलता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जी, जी, मौत से मेरी यारी, हम गंदी राजनीति नहीं करते। आपने 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 बड़ी वैलिड बात बोली, लेकिन 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 मैं इसको देखिए, इसके पॉलिटिक्स के भी 2 भाग हैं। मैं सिरसा साहब आपके पास आता हूं। सिरसा साहब देखिए, आप सरकार में हैं तो जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी बनती है। कुछ सवाल बड़े गंभीर हैं, हमारे लोग भी कनाडा में रह रहे हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि वो एक थ्रेट देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये हम सबने देखा भारत ने जो जोरदार एक्शन लिया, ये हम सबने देखा भारतीय सरकार ने जो प्रोएक्टिव एक्शन लिया, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से कुछ, सब नहीं, कुछ लीडरान ये बात कह रहे हैं, कुछ नेता ये बात कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर भी है ये एक तरह का? नहीं, कैसे डिप्लोमेटिक फेलियर है? देखिए, एक इंसान ने तय कर लिया कि मैं आतंकवादियों को शरण दूंगा, इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे वोटें चाहिए हैं। अब उसमें अगर उस मुल्क ने, जैसे पाकिस्तान ने तय कर रखा है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन आतंकवाद का साथ दूंगा, तो इसमें हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर कैसे हो सकता है? वो उनकी करेंसी हमारे मुकाबले 20 पैसे रह गई, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्योंकि आतंकवाद को पालना चाहते हैं। इसी तरह कनाडा ने अगर तय कर लिया, अब आप एक, मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देकर बताता हूं। सिद्धू मूसे वाले को मारने वाला
ओपनली कनाडा की धरती पे बैठ के वीडियो डालता है, वहां सड़कों पे घूमता है, मॉल में घूमता है, और गोल्डी ब्राड को वहां कनाडा की पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं। वो खुद कह रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसको कह रहे हैं कि उसने कत्ल किया, वो कहता है टीवी पे आके कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया। ठीक है, अब उसको भी कनाडा पुलिस हाथ लगाने को तैयार नहीं। आप सोचिए, इंडिया गेट पर कनेडियन किसी भी एक नागरिक को मारने वाला कनेडा में, इंडिया में आकर इंडिया गेट पर घूम रहा हो और वीडियो डाल रहा हो, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या हुआ है, ट्रूडो को साइडलाइन हो गया यहां पे आके। अब भारत के प्रधानमंत्री G20 के अंदर जो बाकी मुल्क उनको साइडलाइन कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं जी इसका आप ध्यान दें, ये तो ट्रूडो को अपनी डिप्लोमेसी दिखानी होगी, उनका फेलियर हुआ है, उनको किसी ने पूछा नहीं है। और अगर वो 3 दिन यहां पे रहे तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जहाज भी ऑफर किया, हमने तो अपना एयरफोर्स अपना एयर इंडिया वन ऑफर किया कि आप जाना है तो आप हमारा प्लेन भी लीजिए। अब हमारी डिप्लोमेसी तो यही हो सकती थी। वो आतंकियों को जो शरण दे रहे हैं, मैं एक बात और आपको ध्यान में कराना चाहता हूं, जो डोसियर गया है जो पंजाब पुलिस ने दिया, फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने जो NIA के जो डोजियर उसको दिया, उसमें सिख भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। अगर कोई क्रिमिनल, उसका कोई धर्म थोड़ा ही ना है, आतंकी का धर्म थोड़ा ही ना है। ये किस तरह से कह देते हैं कि भारत की सरकार ने हमारे खिलाफ नाम भेज दिया। भाई सभी क्रिमिनल के नाम भेजे हैं, सभी आतंकियों के नाम भेजे हैं। और जो कनाडा कर रहा है, कनाडा के अंदर देखो कितने तो मर्डर हो गए, बम ब्लास्ट हो गए, पाकिस्तान की तरीके से कनाडा ने भी जो काम किया है कि आतंकियों को शरण दो। अब क्या इश्यू है, ट्रूडो एक स्टैंड लेना चाहते हैं जी 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 कि मैं देखिए जी भारत के खिलाफ हूं। ट्रूडो ने जो लेकिन लेकिन पार्लियामेंट हाउस में एक दस सेकंड और लूंगा, क्या कहा पार्लियामेंट हाउस में कि हमें शक है, उन्होंने कहा हमें शक है, मेरी समझ एक सेकंड मुझे दे दीजिए जी, 10 सेकंड प्लीज। उन्होंने कहा मुझे शक है। आप कल्पना कीजिए कि शक के बिहाफ के ऊपर प्रधानमंत्री एलिगेशन लगा रहे हैं दूसरी कंट्री पे, और सही 48 घंटे बाद वहां पे एक और आतंकी या एक और गैंगस्टर या एक और एक्सट्रॉनिस्ट मारा जाता है जो ऑलरेडी इंडिया की डोजियर लिस्ट पे था। अब बताओ जी प्रधानमंत्री जी, बताइए अब आप बोलिए, इसको ट्रूडो साहब बताइए अब इसको किसने मारा है, निज्जर के लिए निर्लज हो गए ट्रूडो, वो बात अलग है, लेकिन निज्जर की हत्या का आरोप उन्होंने भारत पे लगाया। सबसे पहले तो सवाल है कि भारत की एजेंसी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो वहां जाकर मार रही हैं और इस सरकार को हवा भी नहीं लग रही, तो ये तो कमाल की बात है। ये तो फिर फेलियर ट्रूडो सरकार का भी है, कनाडा सरकार का भी है कि आपके शासन में आके भारत की एजेंसियां मार रही है, तो वो तो अपनी हाँ, रिपोर्ट काट अपने नागरिक को नहीं बचा पा रहे, मतलब जो कि उन जिस व्यक्ति को कनाडा की सरकार बचाना चाह रही है उसको भारत की एजेंसी कनाडा में जाके मार रही है और ट्रूडो नहीं बचा पा रहे। मतलब ट्रूडो बता रहे हैं कि मैं कितना नाकाबिल आदमी हूं, मैं कितना नाकाबिल आदमी हूं कि मैं उस टॉप प्रायोरिटी वाले आदमी को बचा ही नहीं पाया, उसको भारत की एजेंसी मार के चली गई। कमाल की बात है, कमाल की बात है। मैं रुक करता हूं आपका परमिंदर सेठी, परमिंदर सेठी भी चलेगी और वो भी जी जी सिरसा साहब, मैं आपका रुक करूंगा। सेठी साहब, क्या आपको लगता है सरकार ने जो फैसले लिए वो सही लिए, सही वक्त पे लिए और शानदार लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि नेशन कम्स फर्स्ट। अगर देश, हमारे देश के खिलाफ कोई भी देश या कोई भी संस्था कोई भी देश के खिलाफ बात करता है तो सभी देशवासियों का यह दायित्व बनता है, सारी राजनीतिक पार्टियों का एक दायित्व बनता है कि सरकार के फैसले के साथ खड़े हो। लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि यहां के जो सैकड़ों हजारों बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हैं, वहां पे जो लोग रोजगार के लिए गए हैं वो अपने माता पिता से मिलने आना चाहते हैं, जो आतंकी लोग हैं जो 30 साल पहले पॉलिटिकल स्टे लेके किसी भी तरह से वहां पहुंच गए और वहां से स्टेटमेंट दे के भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन भारत के अंदर या देश के अंदर कहीं पे भी कोई खालिस्तान का कोई अब वो नहीं है जो पहले था, लेकिन और ना ही कोई यहां का सिख इसके फेवर में है। मैं ये कहता हूं कि सरकार थोड़ा नरमी का रुख करे, जो लोग वहां गए हुए हैं किसके ऊपर, नरमी का रुख किसके ऊपर, जो वहां के जो भारतीय वहां रह रहे हैं, जो भारतीय वहां रह रहे हैं, जो रोजगार के लिए गए हैं, जो अपने माता पिता से मिलने आना चाहते हैं, जो बच्चे वहां पढ़ने गए हैं, मैं सरकार के यहां हर फैसले के साथ हूं।
और मैं सरकार के हर फैसले के साथ हूं। अगर जस्टिस ट्रूडो हमारे ऊपर कोई, हमारे देश के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है और जो आतंकवादियों का साथ देता है, हम उस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हमारे राजनीतिक विरोध बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब नेशन की बात आती है, लेकिन मैं, तजिंदर बग्गा ने, बीजेपी के नेता ने भी एक ट्वीट करा है, उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मैं तो सिमरनजीत सिंह मान इस समय जुड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंदर। माय बिग क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं खासतौर पर कनाडा के अंदर, और ट्रूडो सरकार, कनाडा सरकार उसका समर्थन कर रही है, वाकई ये शर्मिंदगी की बात है और भारत सरकार का एक्शन ठीक है और कड़ा होना चाहिए आपकी राय में? इट शुड बी मोर स्ट्रांग, मिस्टर मान। आप ऐसे देखो, दलाई लामा जी को इंडिया ने पनाह दी है, ठीक है। अगर बाहर का मुल्क उनको मार देता है तो मोदी साहब तो चीख मारेगा ही, वो तो निराश होगा। ऐसे ट्रूडो साहब जो उधर के सिटीजन्स हैं सिख, उनको मरवा देना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रॉ और आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिस्टर मान, वहां गैंग वॉर चल रहा है, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया, भारत सरकार का क्या लेना देना इससे? ये आपकी सोच है, पर कनाडा में सिखों को कत्ल कर देना, असैसिनेट कर देना, ये हमारी पार्टी सिखों का कत्लेआम करने की बात करते हैं मान साहब? आपको जिन्होंने पंजाब में हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया उनकी बात करते हैं मान साहब? उनकी बात करते हैं मान साहब? आपने आपने हजारों बच्चे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से आपने भेजे कहां पे? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए आपने खालिस्तान मान साहब बनाने, तो चले जाओ पाकिस्तान, आपने खालिस्तान बनाना, चले जाओ कनाडा। आपने अपनी बात को रखा, बिट्टा साहब, आपने मिस्टर मान का मिन, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, इन्होंने भगत सिंह को, हम बिल्कुल 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 बोलने की इजाजत नहीं, इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी, आपने अपने वक्तव्य को रखा है, आपके वक्तव्य का सम्मान है मिस्टर बिट्टा, यू मेड योर पॉइंट, ये खालिस्तानी, पीसीआर, ये बेगुनाहों के कातिल, ये खालिस्तान का, ओके होल्ड ऑन, बिल्कुल नहीं, इन्होंने इन्होंने कहा था भगत सिंह को आतंकवादी, ठीक है, ओके, सिमरनजीत सिंह मान, आप खालिस्तान की सपोर्टर बनते हो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप पंजाब जो पाकिस्तान वाला है उसकी डिमांड क्यों नहीं करते? आपको हिंदुस्तान वाला पंजाब ही क्यों चाहिए? पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बिट्टा वो ही है जो अमृतसर कोतवाली में ब्लैक शीटर है, ये साइकिल चोर है, इसकी नहीं, देखिए ये आप किसी ब्लैक केस के बारे में बनी हुई है ये, नहीं उसने क्या बोला मेरे खिलाफ, ऐसी बात आपने हिम्मत क्यों की कि वो ऐसी बात मेरे खिलाफ करे आपके स्टेशन के ऊपर? ये बिट्टा कौन होता है? मैं कहता हूँ मेरे साथ बहस करो मेरे साथ, बेगुनाहों के कातलों पे राजनीति करने वालों, बहस करो मेरे साथ, वन टू वन बहस करो, हद हो गई यार, और ऐसे लोगों को आप बिठाएंगे, ये देशद्रोही है, इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, इन्होंने खालिस्तान की बात की है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपने तो करना कर लो, मेरी जमीर नहीं है, आपकी जमीर एंकर साहब बनती है, तो आप अपनी जमीर को देखिए, मैंने अपनी जमीर नहीं मारी, मेरे लिए हिंदुस्तान है, इसके लिए खालिस्तान है, इनके लिए पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, उनको पैसे लेकर के विदेशों ने भेजा और इन्होंने माना तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले, देखिए भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे, आप जानते हैं बिट्टा साहब, आप जानते हैं मेरे कार्यक्रम में भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे, फैक्चुअल कोई बात बोलेगा तो उसको बोलने का अधिकार है। बात कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, सिमरनजीत सिंह मान, मजिंदर सिंह भगत सिंह को आतंकवादी,
तिरंगे झंडे का अपमान करे कहते मैंने करा और आप चैनल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को बिट्टा बिट्टा साहब कहते हैं आई एग्री विद यू जो आप बात बोल रहे हैं मैं भारत के खिलाफ हम भी नहीं कुछ सुनेंगे लेकिन ओके सिमरनजीत सिंह मान माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर मेरा सीधा सवाल है आपसे और मेरा सवाल बहुत ही अब जिम्मेदारी भरा है पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए खालिस्तानियों को ये हिंदुस्तान वाला पंजाब भी क्यों चाहिए और ये जो लोग हैं वो मात्र चंद लोग हैं कनाडा के अंदर भी 15% के करीब लोग हैं ये लोग जो खालिस्तान चाहते हैं बाकी तो खुश है भारत के सिख थोड़ी चाहते हैं खालिस्तान भारत के सिख तो यहां खुश है और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की आप भूल गए क्या गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या हम आजाद हैं ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं किसी ने नहीं बोला मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी कैसे जरूरत हुई तेरी एक एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात कर दी क्यों नहीं बात आप एक सांसद है आप अपनी बात को रखिए क्यों नहीं जरूरत होगी अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए खाते भारत की हो गाते खालिस्तानियों की हो तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए वो आपकी मर्जी है लेकिन देश के खिलाफ भारत के खिलाफ भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा ऑडियो खोलिए इनका मारे कसम और आप धमकाएंगे नहीं हमारे कैमरामैन को ये हिंदुस्तान है कानून से काम होगा आप होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको समर्थन होगा कई दलों का लेकिन ये हिंदुस्तान है सर बदमाश है कौन बदमाश है 10 नंबर ही है वो एमएस बिट्टा जो आतंकियों से लड़ा वो बदमाश है आपकी राय के अंदर और आपको और आप ये बात कह रहे हैं सिरसा साहब मैं सिरसा साहब को लेकर आ रहा था बिट्टा साहब आप शांत रहिए जरा सिरसा साहब सिमरनजीत सिंह मान आपको सुन रहे हैं क्या कहना चाहते हैं आप पैच नंबर मजेंद्र सिंह सिरसा मजेंद्र सिंह सिरसा जी लगता है कनेक्शन उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गए एमएस बिट्टा अरे कनेक्शन सबके कट जाएंगे आप एमएस बिट्टा लाओ इसे लाओ इनको मेरे सामने मान को कहां चले गए मान साहब बुलाइए मान साहब को मेरे सामने मान को दिखाइए या खालिस्तानी को यह तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को यह भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले को यह विदेशों में पासपोर्ट के जरिए पैसे लेकर के खालिस्तानियों को इनको लाइए मेरे सामने बाद में डिबेट करेंगे पहले इसको लाइए भाग गए वो डिबेट छोड़ के भाग गए दुश्मनों को चैनल पे बुला लिया सिंह मान डिबेट छोड़ के भाग गए वो भागेंगे जी जी मैं रुक करता हूँ आपका सिरसा साहब सिमरनजीत मान थे जो कि क्लियर कट खालिस्तानियों की पैरोकारी कर रहे थे और उन्होंने एमएस बिट्टा के लिए भी बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करा उसके अलावा कि इन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि इनको पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए तब ये गुस्सा हो जाते हैं और अब चर्चा छोड़ के भाग गए हैं देखिए जब भी कोई ये लोग जो इमोशंस के भाव में सिखों को जोड़ना चाहते हैं तो यही बात बोलते हैं कि देखिए महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब था बिल्कुल था उनका पंजाब बहुत खुशबूदार सुंदर पंजाब था हमें बड़ा फक्र है कि महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब जो कि बहुत बड़ा पंजाब था जिसमें अफगानिस्तान का भी हिस्सा था और पाकिस्तान का पंजाब भी था तो मेरा भी ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप ये तो आपकी बड़ी जाति होगी कि अगर आप ये कहें कि हमें तो भारत वाला हिस्सा ही चाहिए पाकिस्तान वाला नहीं चाहिए ये तो पहली बात जाति होगी इसका मतलब दो कारण है पहला कारण आपको पाकिस्तान से तो डर लगता है या पाकिस्तान आपका दोस्त है इन दोनों में से तीसरी कारण तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान दोस्त है जी इनका हमारे आपसी मसले कुछ भी हो बाद में जाएंगे पहली बात आज कनाडा की है
आज कनाडा की बात है, कनाडा किस तरह से हमारे भारत को तोड़ने वालों को पनाह दे सकता है। भारत के अंदर भी अगर क्यूबेक जो है कनाडा का एक स्टेट है वो अलग होना चाहता है कनाडा से, क्या ऐसा संभव हो सकता है जी कि हम उनके एम्बेसी के बाहर जाके धरने लगवाएं, उनके झंडे को आग लगा दें, उनके हाई कमिश्नर को पिटवाएं, क्या ऐसा हो सकता है इस मुल्क में? नहीं होगा कभी भी। हम एक बहुत सुंदर डेमोक्रेसी हैं और कनाडा भी एक डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए किस हद तक कनाडा के लोगों को आग में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो हैं हालात वहां बिगड़ गए, मारने लग पड़े, बम ब्लास्ट होने लग पड़े, मर्डर होने लग पड़े। ये गैंगस्टर्स जो हैं वहां से पैसा फोन करके इंडिया में लोगों को धमकाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और ट्रूडो जो है उनका समर्थन करते हैं। मेरे को आज बहुत इस बात का दुख और खेद है। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं, जी, जी। आपने अगर एक वीडियो देखी हो जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है हिंदुओं को कि कनाडा से सारे हिंदू कनाडा छोड़ दो अगले चार दिन के अंदर। अब देखिए क्या मकसद क्या फिर इनका, इनका मकसद यह है हम हिंदू और सिखों में इतनी बड़ी खाई बांट देंगे, खुद ही मजबूर हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ करने को। इसलिए जी 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 सारे जी, मेरे को ब्रेक के लिए रुक रहा है, लेकिन मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया हूं, जॉर्ज कुरियन, राजेंद्र दीपा और रविंद्र सचदेवा। एक अंतराल के बाद, छोटे से अंतराल के बाद मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, रिकॉर्ड व्यूज इस समय हमारे पास आ रहे हैं, करोड़ों लोग देश के आर पार देख रहे हैं। ब्रेक के बाद कनाडा पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हर आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम सरकार की ओर से प्रमुख वक्ताओं की सूची में है, तो कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले सांसदों में रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम, अमीबेन याग्निक और केसी वेणुगोपाल हैं। और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ है, पास होने वाला पहला बिल भी है। बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा, इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। संसद की नई इमारत में सभी सांसदों को दी गई संविधान की कॉपी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने संविधान की नई कॉपी में समाजवादी और सेक्युलर शब्द नहीं होने पर सवाल उठाए और अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों शब्दों के नहीं होने पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई। उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं थे। इन आरोपों पर कानून मंत्री ने साफ किया कि सभी सांसदों को संविधान की मूल कॉपी ही दी गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के दावों को गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बता दिया। अधीर रंजन ने दावा किया कि इस बिल पर संसद के दोनों सदनों में उनकी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने जवाब दिया कि महिला आरक्षण बिल कभी लोकसभा में पास हुआ ही नहीं था। 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। यही नहीं, अमित शाह ने अधीर रंजन से अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई फिल्म कलाकारों ने नई संसद का दौरा किया। इन कलाकारों को संसद की नई इमारत को देखने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके तहत एक्टर भूमि पेडनेकर, डॉली सिंह, शहनाज गिल और शिबानी बेदी ने अनुराग ठाकुर के साथ नई संसद को करीब से देखा। एक रोज पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने के दौरान कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी संसद पहुंची थी। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया। उन्होंने इस बिल को पास होने को नए सदन की शानदार शुरुआत बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी दलों का आभार जताया और इतिहास रचने की बात कही। राज्यसभा में भी यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना पाए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा।
और महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने के बाद कुछ नेता इसका विरोध करते नजर आए, जिसमें एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहे। और असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए, अब उन्हीं को नहीं देंगे कि ओबीसी को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए। वहीं से पहले संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर संविधान का हवाला दिया। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 जबकि विरोध में 2 वोट पड़े। तो महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी की मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोनिया गांधी के राजीव गांधी के सपने वाले बयान पर निशिकांत दुबे जवाबी हमला करते नजर आए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया और इतने साल का इंतजार क्यों किया गया। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उधर महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी केंद्र से खफा दिखे और उन्होंने 90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी होने पर सवाल उठाए। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? राहुल के इस आरोप पर बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जाहिर की। खबर है कि गृह मंत्रालय महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल के नियमों की अधिसूचना जल्द ही जारी करेगी। इसके बाद देश में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। खबर है कि परिसीमन आयोग 33% सीटों का चयन भी करेगा। ऐसे में जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो पाएगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हुई चर्चा के बीच बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे के बोलने पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए उसे महिलाओं की चिंता पर नसीहत दे दी। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर बीजेपी की तरफ से किसी महिला सांसद के न बोलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बिल में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने जाति जनगणना जल्द से जल्द करवाने की भी मांग की और ओबीसी कोटे के बिना महिलाओं के लिए आरक्षण वाले इस बिल को अधूरा बताया। आई वुड लाइक टू हैव सीन ओबीसी रिजर्वेशन इंक्लूडेड इन दिस बिल। इस दौरान राहुल गांधी ने परिसीमन और जनगणना के बिना ही इस बिल को जल्द लागू करने की मांग की। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसका ऐलान किया। ऐलान करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन में अलग अलग दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके ये तय किया गया है कि संविधान विधेयक 2023 पर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज करीब 7.5 घंटे बिल पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम सरकार की ओर से प्रमुख वक्ताओं की सूची में है। तो कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले सांसदों में रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम, अमीबेन याग्निक और केसी वेणुगोपाल हैं। और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ है, पास होने वाला पहला बिल भी है। बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। संसद की नई इमारत में सभी सांसदों को दी गई संविधान की कॉपी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने संविधान की नई कॉपी में समाजवादी और सेक्युलर शब्द नहीं होने पर सवाल उठाए और अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों शब्दों के नहीं होने पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई। उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं थे। इन आरोपों पर कानून मंत्री ने साफ किया कि सभी सांसदों को संविधान की मूल कॉपी ही दी गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के दावों को गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बता दिया। अधीर रंजन ने दावा किया कि इस बिल पर संसद के दोनों सदनों में उनकी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
जिस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने जवाब दिया कि महिला आरक्षण बिल कभी लोकसभा में पास हुआ ही नहीं था। 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। यही नहीं, अमित शाह ने अधीर रंजन से अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई फिल्म कलाकारों ने नई संसद का दौरा किया। इन कलाकारों को संसद की नई इमारत को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत एक्टर भूमि पेडनेकर, डॉली सिंह, शहनाज गिल और शिबानी बेदी ने अनुराग ठाकुर के साथ नई संसद को करीब से देखा। एक रोज पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने के दौरान कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी संसद पहुंची थी। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया। उन्होंने इस बिल को पास होने को नए सदन की शानदार शुरुआत बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। भारतीय सरकार ने इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है खरी खरी सुनाई है कनाडा को। भारत की कनाडा को बेहद खरी खरी है। अपनी छवि पे ध्यान दे कनाडा, यानी जो बिगड़ छवि रही है उस पर ध्यान दे कनाडा। आतंकियों की पसंदीदा जगह बन गया है कनाडा, बहुत डायरेक्ट बोला है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, और इसी बड़ी खबर के ऊपर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि भारत इससे ज्यादा स्ट्रांग अब कुछ और भी कर सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि भारत लगातार, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो MEA यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, तीनों एक साथ कुल मिलाकर इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय जॉर्ज कुरियन भी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मेरे साथ सचदेवा साहब है। सचदेवा साहब, भारत जो बात कह रहा है वो डायरेक्ट कह रहा है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी अब करा जा सकता है, या आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? थैंक यू अमित जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और भारत सारा कुछ कर रहा है। मैं दो मोटी मोटी चीजें चिखाना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग एक एक्शन कॉल टू एक्शन जो हम आम पब्लिक ले सकती है। सरकार क्या क्या करेगी, पब्लिक भी कुछ कर सकती है, मैं उसमें आता हूँ। पर उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये जो बवाल उछला है ना सारा, ये तो अभी उछला है कि जब ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमारी एलिगेशंस हैं, राइट, प्रूफ नहीं उसने भी बताया, उनकी इंक्वायरी चल रही है। आज से दो हफ्ते बाद, चार हफ्ते बाद, छः हफ्ते बाद, छः महीने बाद वो इंक्वायरी कंप्लीट होगी। उस इंक्वायरी जो भी उनकी हो कनेडियन, उसका जो वो कहेंगे तब बबाल और बढ़ेगा। वन तो हमारे पास अभी से लेकर के जब भी इन कनेडियन सरकार अपनी ऑफिशियल कहती है कि हमारे पास प्रूफ है या नहीं है इत्यादि, इस दौरान हमें बहुत केयरफुली और एग्रेसिवली जाना है। सेकेंडली मैं जो कहना चाहता हूँ, एक कॉल टू एक्शन, सरकार क्या क्या करेगी। देखिए, सरकार कुछ चीज़ें कर सकती है इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, कुछ चीज़ें सरकारें नहीं भी कर सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक कर सकती हैं। क्यों ना आपके चैनल के माध्यम से और मेरा थिंक टैंक इमेजिन इंडिया, हम ये आह्वान दें आज कि एयर कैनेडा को आम इंडियन सिटीजन बॉयकॉट करेंगे टिल द टाइम ये मामला सुलट नहीं जाता, ठीक है ना। हम पब्लिक की तरफ से भी प्रेशर आना चाहिए, कन्वे होना चाहिए कैनेडियन सरकार को, कैनेडियन लोगों को, कि भारत के लोग भी किस गंभीरता से कैनेडियन एक्शन को ये देखते हैं। सो दैट्स वन, कि भाई बॉयकॉट एयर कैनेडा जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता। सेकेंडली मैं वापस आता हूं कि अभी से लेकर के जो चल रहा है, अभी हमने कुछ करा, कनाडा कल फिर कुछ करेगा, देखिएगा जितना सख्त होता जाएगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, हम होंगे, वो होंगे, वो होंगे, हम होंगे, तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है जो कि एक्चुअली अच्छा नहीं है दोनों देशों के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में, फ्रेंडली रिलेशंस में हमारे, ठीक है। और इसमें फिर अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व होते जाएंगे आने वाले हफ्तों में, आप देख रहा हूं। तो इसलिए बेस्ट शायद ये है मेरे विचार से फिलहाल के लिए, सरकार हमारी सारा कुछ कर रही है, यस, जैसे अभी सख्त एक्शन ले रही है इत्यादि, बट इसके अलावा मैं समझता हूं कि कुछ बैक रूम या बैकडोर डिस्कशंस भी चल रही होंगी इस सारे जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया है इसको थोड़ा शांत करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आने वाले हफ्तों में ये मामला और उबल में आएगा। जी जी,
दैट इज योर पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट कराया और उसमें बोला है कि मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स आपको, बीजेपी के नेता हैं और उनका जो ट्वीट है उसको मैं कोट कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और स्पीकर पंजाब विधानसभा के कुलतार सिंह सांदवान खालिस्तानी टेररिस्ट हरजीत सिंह बाजवा के साथ कैनेडा में है और उन्होंने बाकायदा फोटो भी डाली है। मैं सेठी साहब आपका रिएक्शन लूँ, उससे पहले मैं कुरियन आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी है? जॉर्ज कुरियन, कि मेरी आवाज आ रही है अमित जी? यस यस, आई एम गेटिंग ऑडियो। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि जब जा तक हमारे पॉलिटिकल मतभेद होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, बट इस मामले में कांग्रेस पार्टी का भी ये स्पष्ट मत होगा, ये मेरा यकीन है कि भारत सरकार के साथ वो खड़ा होगा इस वक्त, और जो भी स्टैंड भारत सरकार इस विषय में लेगी उसमें बिल्कुल उसके साथ सहमत होगा, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है भारत सरकार पर कि सही निर्णय भारत सरकार की तरफ से होगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में ये विषय आया है जहाँ भारत ने G20 का अपना एक काफी सफलतापूर्वक हमारा जो G20 हुआ है देश भर में, तो भारत बिल्कुल देश भर में चर्चे में है, तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है कनाडा ने एक कॉर्नर करने के लिए भारत सरकार को इस विषय में एक उनका योगदान होगा। जहां तक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सवाल है, ये एलिगेशन भारत सरकार पर और भारत की इंटीग्रिटी सोवेरिनिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है विदाउट एनी एलिगेशन विदाउट एनी प्रूफ जो that's the किया point, है that's the point. इसका हम खंडन करते हैं जी। और भारत सरकार को ये भी निश्चित करना होगा जो भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर है और इस वक्त इंडियन डायस्पोरा जो है उनका भी ध्यान रखना होगा और उनका भी सेफ्टी की भी सुनिश्चित करना होगा। ये सारे मुद्दे हैं जो मैं रखना चाहूंगा इस वक्त आपके चैनल पर जी। सिरसा साहब, ये जो आपकी पार्टी के सहयोगी ने ट्वीट करा है आम आदमी पार्टी के विषय पर, क्या आपको लगता है आप इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं मामले को? क्योंकि पंजाब विधानसभा के स्पीकर आम आदमी पार्टी के और पंजाब विधानसभा के स्पीकर है वो कुलतार सिंह संधवान, उनकी तस्वीरें जारी करी गई हैं। नहीं, मान लीजिए मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन अगर कुलतार सिंह संधवान नहीं है तो उनको ट्विटर का जवाब दे देना चाहिए था। इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी, हम तो पॉलिटिकल नहीं बना रहे। मान लीजिए अगर किसी ने उनको पॉइंट आउट किया है कि देखिए अफलाह के साथ खड़े हैं, वो जवाब दे सकते हैं। अगर वो जवाब देंगे तो क्लेरिफिकेशन आ जाएगी, नहीं जवाब देंगे तो सच साबित होगा कि भाई खड़े हैं। तो खड़ा तो कोई भी उनके साथ होगा तो उसमें तकलीफ तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि अब देखिए भारत में हम आपस में बहुत सारा लड़ सकते हैं, हमारे मुद्दे हो सकते हैं, हमारे मसले हो सकते हैं, हम भारत सरकार के खिलाफ भी बातचीत करते हैं, हमने बहुत नारे प्रदर्शन सरकारों के खिलाफ बहुत कुछ किया, वो हमारा इंटरनल इशू है। इसी तरह कनाडा के लोग भी कनाडा की सरकार के खिलाफ बहुत कुछ करते हैं, उनका इंटरनल इशू है। जहां भारत की बात आती है, किसी भी लीडर को, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला आदमी है, उनको अपना स्टैंड ऐसे वक्त में बिल्कुल क्लियर करना। हो सकता है आप जाने अनजाने में किसी को मिले हो, हम भी मिलते हैं, हम सर लोग खाना खा जाते हैं, मिलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता। लेकिन जब पॉइंट आउट हो जाए कि ये आदमी ऐसा है तो तुरंत आपको, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, मेरे साथ पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में मैं जब मत्था टेकने गया था तो मेरे साथ पीछे खड़े होकर उसने फोटो डाली, रोज मेरे भारत को गाली निकालता, मैंने उसी गुरुद्वारे में खड़ा होकर वीडियो डाली उसी वक्त कि भाई मैं ना डरता हूं ना ऐसे आदमी को मुंह लगाता हूं, मैं पाकिस्तान में खड़ा होकर कहना चाहता हूं मैं भारतीय हूं, कोई आदमी जो भारत को गाली निकालता होगा मेरे साथ आके फोटो खिंचवा के भी डालेगा तो मैं उससे ऐसी चीजों को लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है उनको क्लेरिफाई करना चाहिए। लेकिन आज हमारा मुद्दा बड़ा है तो बहुत बड़े इशू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जो हो रहा है ना आप उसको सिर्फ एक एंगल देख रहे हैं। अभी आप भारत की और कनाडा की कूटनीति के ऊपर उसने क्या किया ट्रूडो ने, लेकिन आप एक चीज शायद अभी भी मिस कर रहे हैं। मैं आपको जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि आपको उसको भी एड्रेस करना चाहिए। जैसे सिमरनजीत सिंह मान अभी उठकर चले गए, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत गहरी खाई खोद रहे हैं हिंदू और सिखों के अंदर। इनका पर्पस है कि अपने आप भारत के अंदर आग लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेगा, राइट विंग बोलेगा फिर हम बोलेंगे, और एक इस तरह का माहौल बनाएंगे, फिर हम दुनिया को कहेंगे देखो देखो जी फलाने ने सिखों को क्या बोल दिया। सो मैं पहले भी टीवी पे बोल रहा था, मेरी एक छोटी सी आपके आगे रिक्वेस्ट है
कि मैं हिंदू भाइयों को, सिखों को ये जरूर विनती करता हूं, आपको संयम रखना होगा। इनका पर्पस आपकी आने वाली जनरेशनों तक को जहर में उगेलना है। ये जहर कर रहे हैं, ये इतनी नफरत फैला रहे हैं। इस नफरत का चाहे भारत में रहते सिखों, चाहे विदेशों में रहते सिखों, चाहे हिंदू हो, मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं और मैं माफी भी चाहता हूं। ये हाल फिलहाल में इतना बढ़ क्यों गया है? पिछले 6-7 महीने में इस ट्रेंड को हमने बढ़ते हुए देखा है क्यों? मिस्टर दीपा, आप श्रोमणी अकाली दल से आते हैं। हाँ मिस्टर हनीस, पहले तो देखो डिबेट को 45 मिनट हो गए और आपने मेरे को अभी ज्वाइन कराया है। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चलो बराबर की नहीं, बड़ी पार्टियां हैं, बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम दो, लेकिन इतना नहीं। चलो हम अपनी बात पे आते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये मसला 5-7 दिन में इतना ज़्यादा हो रहा है कि ट्रूडो साहब ने जाके अपनी पार्लियामेंट में बयान दिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक्शन लिया, डिप्लोमेट को वहाँ से निष्कासित किया और उसके बाद इंडिया की सरकार ने किया। लेकिन इसमें देखना चाहिए कि ये चिंता का भी विषय है और ख़ास करके भारत के लिए भी तो है, लेकिन पंजाब के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है कि ये सिरसा साहब और दूसरे भी जो उस बैठे हैं हमारे पैनलिस्ट, ये समझते होंगे, जानते होंगे कि पंजाब के हर दूसरे घर से या तो कोई गया हुआ है कनाडा में, या उसका कोई रिश्तेदार गया हुआ है, या कोई जाने की सोच रहा है। अब जो भी है, हम भी देश के साथ हैं, जहां देश की बात होगी, बीजेपी जो भी सरकार है उसने फैसला किया है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को सोच के फैसले लेने चाहिए कि हमारे लोग जो वहां हैं या यहाँ हैं, जो उनके लोग हैं, उनको ऐसी इतनी चिंता में ना हम डालें। ऐसे फैसले हमें लेने के वक्त ऐसा सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, जो भी ये हमारी सरकार फैसला लेती है, लेकिन बात अभी सिरसा साहब कह रहे थे या दूसरी एजेंसियाँ हैं हिंदू सिख को बांटने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हिंदू सिख तो तब नहीं बटा, तब नहीं उनमें फ़र्क आया। 80 के दहाके की बात करता हूँ कि पंजाब में इतने हालात खराब हुए, तब हिंदू सिख में आपस में फ़र्क नहीं आया। आज तो क्या आना है? बिल्कुल नहीं आता। सब समझते हैं ये पाकिस्तान की चाल है, वो बिल्कुल दूसरे ढंग से पिछले दरवाजे से लड़ाई लड़ना चाहता है। अब थक हार गया है, लड़ाई लड़ नहीं सकता भारत देश के साथ, और टेढ़े ढंग से वो उनकी आईएस एजेंसी। लेकिन मेरा जो सवाल है वो आप जो सिरसा साहब दोनों से बंदे बैठे हैं। जी मेरा दीपक साहब, ये पिछले 6-7 महीने में ट्रेंड इतना क्यों बढ़ गया है? ये ट्रेंड इतना क्यों बढ़ गया है? आंसर दिस ट्रेंड। नहीं, ऐसा है, कुछ बढ़ जाता है, कुछ हमारे भी इलेक्शन है, हम बढ़ा लेते हैं, हम ऐसी डिबेट्स, ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि हमारे भी 6 महीने बाद इलेक्शन है। और उधर ट्रूडो साहब की भी पोजीशन कनाडा में बहुत खराब है। कोविड में पैसा उन्होंने डॉलर खूब बांटे, लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ लोग बढ़ रहे हैं या फिर यहां पर कोई उनकी मदद कर रहा है, पॉइंट ये है। कोई नहीं बढ़ रहा पन्नू अकेला था, एक सिंगल आदमी पन्नू घूमता है। अगर आप सोचिए पन्नू की हालत क्या होगी। पन्नू वीडियो डाल के कह रहा है जी हिंदुओं को 4 दिन के अंदर अंदर कनाडा छोड़ना होगा, हिंदू सारे कनाडा से छोड़कर चले जाओ, जैसे मतलब कनाडा उसका मुल्क हो या उसका कोई प्रधानमंत्री हो या वहां का। तो इन लोगों का मकसद क्या है? मकसद जो मैंने पहले कहा था, इनका मकसद नफरत की खाई को बढ़ाकर नफरत की आग लगाना। इनका और कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसके पिताजी ने कनाडा को बनाया हुआ है और वो चाहता है कि निकल जाए लोग। नहीं, हम सभ्याचारक लोग हैं, हम गुरु की दी हुई सीख पे चलते हैं, बड़े सत्कार से ही बोलना चाहिए। पर मैं आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, बढ़ क्या गया, तो ऐसा हुआ है पिछले 5-6 महीनों में जब से चुनाव पास आता दिखाई दिया, अभी तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर खुला छोड़ दिया इनको, तुमने जो करना है करो, हमें तो हमारी वोटें मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनका यह भी कारण था यहां आके भारत के खिलाफ स्टैंड लेने का, ताकि वहां पे वो वोट्स को कंसोलिडेट कर सकें, वहां पे वो मिनोरिटीज का ये दिखा के, मिनोरिटीज को खतरा है जी हमारे साथ आ जाओ। अरे भी मिनोरिटीज देश के अंदर राज करती हैं, हर जगह, हम दिल्ली में बैठ के राज करते हैं, हर कोई राज करता है और वो भी अच्छा वहां राज कर रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या होती है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आज अकाली दल का हमारे साथ समर्थन नहीं है, तो अकाली दल की आज लैंग्वेज और है।
यही अकाली दल की जब अगर बीजेपी के साथ था तो लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी। वो ये जब लोग आते हैं तो इससे हवा मिलती है, इससे नुकसान होता है। वो सिर्फ अपने पंजाब की सीमा तक देखते हैं, वो नहीं देखते कि देश में हिंदू सिख पूरे देश में घूम रहा है। तो आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे हमारा कोई नुकसान हो। भारत के साथ, भारत के हर भारतीय को आज भारत का साथ देना चाहिए, जो भारत ने एक स्पष्ट बातों में कहा, ना हमने कभी किसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में विश्वास किया है, ना हमने जाके वहां किया है, और वहां के प्रधानमंत्री ने कहा हमें शक है। तो आप सोचिए, शक के ब्याप पे हम अपने आप ही बोलना शुरू कर दें, अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है, ये गलत है। पार्टियों को बहुत संजीदगी से स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल। ओके, एमएस बिट्टा 40 सेकेंड। मैं सारी बातों का एक निचोड़ निकालता हूं। जो 42 साल का बम्बों और गोलियों से शरीर टूटा हुआ, इतने लोगों को शहीद होते हुए देखा, एक अनुभव है। आप बोलेंगे ये तो हिंदू है, हिंदू सिख एक नौ मास का रिश्ता, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता, हमारी बेटियां हमारे बेटे एक दूसरे के घरों में है। जिस दिन को बुरा ना माने मेरी बात का, मेरा अनुभव है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं, जिस दिन इस भारत के सिख समाज के मेरे भाई, हर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरी हिंदुस्तान की प्रेयर करे गुरु महाराज के सामने और मीडिया को कहें, हम पाकिस्तान भूखे नंगे पाकिस्तान को पालने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, भारत देश हमारे गुरु साहिबानों का देश है। ये जिस दिन ऐलान हो जाएगा, सरकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, AK-47 की तरह इनका सीना पार करेगी। को निकला है आज सिरसा साहब है, मैं हूं, ये है, हम हैं, आरपी सिंह है, हम हैं, आम सिख समाज, तिरंगा झंडा लेकर के, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। सड़कों पे कोई ना उतरे, लगेंगी मेरी बातें बुरी, मिर्चे लगेगी जो क्या और बोल रहा। अब बढ़ते हैं आगे, धन्यवाद धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे आर पार में, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को विकसित कहने वाला दुनिया का एक ऐसा निराला देश भी है जिसकी सरकार का खाना पानी आतंकियों के रहमो करम पर चल रहा है, पल रहा है। मुट्ठी भर आतंकी वहां की सरकार को डराते और धमकाते हैं और वहां के प्रधानमंत्री सरेंडर की मुद्रा में चले जाते हैं। मैं कैनेडा की बात कर रहा हूं, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में तो विपक्ष के निशाने पर है ही, बल्कि पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बने हुए हैं। ट्रूडो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से खालिस्तान समर्थित आतंकियों से पूछ पूछ कर एक एक सांस ले रहे हैं, लेकिन इस बार उनका आतंक परस्त चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। दरअसल इसी साल 18 जून को कनाडा में के सुरे में हरदीप सिंह निर्जर मारा गया था। निर्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था। इसके बाद 18 सितंबर को कनाडा ने भारत पर निर्जर की हत्या का एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा दिया, भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश भी दे डाला। पलटवार भारत ने भी एक के बाद एक किए, कनाडा को 3 बड़े झटके दे डाले। भारत के एक्शन के बारे में अब तक आपने काफी कुछ पढ़ा और सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि आखिर ट्रूडो को क्यों खालिस्तानी इतने पसंद है, जरूर सुनिएगा। असल में 2019 में कनाडा में चुनाव हुए, लेकिन ट्रूडो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें मात्र 170 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 157 यानी 157 सीट्स मिली। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा, यानी ट्रूडो की सरकार की बैसाखी वही है और उसकी कमान खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह के पास है। यानी ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानियों के सामने झुक गए, नतमस्तक हो गए, और खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये तो पता ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि खालिस्तान का गीत गाने वालों ने क्या कभी पाकिस्तान से उनके हिस्से वाला पंजाब मांगा? क्या आपने कभी सुना है कि इन खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान ने उन्हें अपने हिस्से वाला पंजाब देने का कभी कोई ऑफर दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। और दूसरा बड़ा तथ्य है, कनाडा में सिखों की आबादी 2.1% है और सिखों की कुल आबादी में से 20% के आसपास खालिस्तान का रोना रोते हैं। यानी ये संख्या मुट्ठी भर है, बहुत कम है, लेकिन प्रचार तो ऐसे किया जाता है कि भारतीय लोगों में संदेश दिया जाए कि सभी सिख खालिस्तान के समर्थक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि ये दावे सत्य और तथ्य से बिल्कुल अलग है। सिख कौम तो वो कौम है जिस
जिसके गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदुओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सिख कौम तो वो कौम है जिसके गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की और पंच प्यारों के साथ मानवता की सेवा के लिए सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो सिख कौम क्या किसी मंदिर पर हमला कर सकती है? वो सिख कौम क्या निजी स्वार्थ के लिए किसी के हाथ में हथियार थमा सकती है, उठा सकती है? जवाब है नहीं। मुट्ठी भर एजेंडाधारी पूरी सिख कौम को प्रतिनिधि नहीं हो सकते। खालिस्तान मूवमेंट एंटी इंडिया मूवमेंट से ज्यादा कुछ और नहीं है, जिसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स वक्त वक्त पर हवा देते रहते हैं। सत्य और तथ्य यह है कि खालिस्तान वाला सपना हमेशा सपना ही रहेगा और भारत सिखों का अपना ही रहेगा और हिंदुओं और सिखों के बीच में कोई डिवाइड नहीं है। जो डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत में डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। खालिस्तान पर